नमस्ते मेरे चंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। कैसे हैं? मैं ठीक तो हूँ, लेकिन इंडिया की बहुत याद आ रही है। मैं जापान में विश्वविद्यालय में 4 साल हिंदी पढ़ चुकी हूँ और इंडिया में जाके 1 साल रह चुकी हूँ। और पता नहीं कितनी बार मैं भारत यात्रा के लिए, घूमने के लिए जा चुकी हूँ। तो भारत और हिंदी मेरा एक आइडेंटिटी है। लेकिन जब से COVID-19 शुरू हुई ना, तब से मैं भारत नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अभी तो विदेशी लोग भारत यात्रा के लिए जाना मना है। तो मैं लास्ट में भारत गई थी 2019 दिसंबर में, असम और इम्फाल में गई थी। वो भारतीय सरकार ने मुझे एक टूरिज्म के लिए भेजा है, खूब मजा आया, लेकिन उसके बाद नहीं जा पा रही हूँ। तो ना मैं आजकल सोच रही हूँ भारत का ये खाना खाना है, या भारत में जाके ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा चलो ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहूंगी, 10 भारतीय चीजें जो मैं अभी बहुत मिस कर रही हूँ। तो ये देखकर आपको आइडिया आएगा कि विदेशी लोगों के लिए भारत की कौन सी चीज बहुत आकर्षित है। तो शुरू करें। नंबर 1, ऑटो में बैठना। पता है आप लोगों के लिए ये दैनिक जीवन की बात है, लेकिन विदेशी लोगों के लिए ना ऑटो में बैठना कुछ अलग मजा आता है। और मैं इंडिया रह चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं जानती हूँ कि हर रोज रिक्शा बैठना कैसा होता है। तो कभी कभी लड़ाई भी होती है ऑटो वाले से, या तो सड़क अच्छा नहीं होता तो थोड़ा थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी ऑटो में बैठना मेरे लिए भी और बाकी विदेशी लोगों के लिए बहुत मजा आता है। और वैसे जापान में ना टैक्सी बहुत महंगी होती है, ट्रेन तो बहुत है, इसलिए हम पैदल चढ़ना या ट्रेन में बैठना दो तरीके ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और रिक्शा टैक्सी में बैठने का मौका बहुत कम है, तो खुद चढ़ना पड़ता है। तो कभी कभी सोचती हूँ अरे अगर जापान में ऑटो वाले होते तो जीवन बहुत ज्यादा आसान होगा। बाय द वे, जापान में ऑटो तो है, अजीब लड़के ऑटो चलाते हैं जापान में, तो इसके ऊपर वीडियो बनाया तो वो भी देखना। लेकिन इन जनरल जापान में रिक्शा नहीं है और मैं रिक्शा में बैठना चाहूंगी। दूसरी चीज, भारतीय मूवी थिएटर में मूवी देखना चाहूंगी। हाँ जापान में भी सिनेमाज तो है, ठीक है, लेकिन ना इतना मजा नहीं आता। पता है क्या, जापानी लोग बहुत बिल्कुल चुपचाप मूवी देखते हैं, और कोई भी मजाक हो, कुछ भी हो, हंसना भी मना है। तो ऐसे ना सिनेमास में मूवी देखने से ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन जब मैं भारतीय सिनेमास में मूवी देखती ना, तो लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं या थाली बजाते हैं, तो ये सब ना वो वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फिर से भारत में सिनेमाज में मूवी देखना चाहती हूँ, कॉमेडी वाला। और एक बात, भारत में ना बहुत लग्जरी सिनेमाज भी है ना, ऐसे आराम से ना सोफा में बैठकर मूवी देखी तो बहुत अच्छी लगे। ये हम जापानी लोगों के लिए कुछ विशेष अनुभव होता है, क्योंकि जापान में ऐसे लग्जरी सिनेमाज नहीं होता, बस सब लोग मतलब एक ही टाइप की कुर्सियों में बैठकर देखते हैं, तो ये भी मैं बहुत मिस करती हूँ। तीसरा, सड़क में गाय या कुत्ते या कोई भी जानवर देखना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी लगी और बहुत मिस करती हूँ। पता है क्या, जापान में ना सड़क में जानवर नहीं होते हैं। जब मैं बच्ची थी यानी 10 साल की थी, तब कभी कभी ना रास्ते पर कुछ कुत्ते रहते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं देख सकती। ये सरकारी लोग ना रास्ते के जानवरों को पकड़ते हैं और नई परिवार को ढूंढते हैं, लेकिन अगर नई परिवार नहीं मिलती तो कभी कभी ये जानवर ने मारे जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि लोग सोचते हैं रास्ते पर कुत्ते रहना ये एक तो खतरनाक है, दूसरा गंदा है, इसलिए जापान में रास्ते पे कोई जानवर नहीं है, लेकिन ये अगर रास्ते में जानवर है ना तो मतलब दिल बहुत अच्छे हो जाते हैं। अरे कुत्ते बहुत प्यारे हैं, अरे गाय जी नमस्कार, ऐसे मतलब थोड़ा जिंदगी थोड़ा
बेहतर हो जाती है मेरे लिए, तो मैं ये चीज बहुत मिस करती हूँ। नंबर 4, आम, मैंगोस। मैंगो भारत में अभी शुरू हुई ना आम के ऋतु, है ना। हाँ पता है दिल्ली में बहुत गर्मी ज्यादा होगी, लेकिन गर्मी के साथ साथ आम, बहुत मजेदार आम बेचे जाते होंगे। जब मैं दिल्ली में रहती थी तब हमेशा आम खाती थी, नाश्ते में एक आम, लंच में दो आम, ऐसे करके लोग कहते थे अरे तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए आम खाना बहुत अच्छा लगा। और पता है क्या, जापान में आम थोड़ा सा तो मिलता है, ठीक है, ओकिनावा जैसे दक्षिण जगहों पे आम बनते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। शायद एक आम के लिए 300 रुपए आराम से लग जाता है, इसलिए मैं जापान में आम ज्यादा नहीं खरीदती। और स्वाद भी ना भारतीय आम बहुत मजेदार है। नंबर 5, भारतीय स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशेष रूप से मैं 3 बताऊंगी, गोलगप्पे, आलू के पराठे, दही भल्ले। आलू के पराठे ना मैं बना सकती हूँ बहुत अच्छे से, ये वीडियो देखिए आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छे से आलू के पराठे बना सकती हूँ। और गोलगप्पे भी बना के ट्राई किया है, लेकिन गोलगप्पे का ये जो पूरी थोड़ा ठीक से गोल नहीं हुआ, तो और ज्यादा अभ्यास करना है, लेकिन फिलहाल मैं खुद अच्छे से नहीं बना सकती, तो भारत जाके रास्ते पे गोलगप्पे अच्छा वाला खाना चाहूंगी। खाना चाहूंगी मैं। अभी फिलहाल क्योतो में रह रही हूँ, पता नहीं क्योतो में अच्छे से गोलगप्पे मिलते हैं कि नहीं, टोक्यो में भी ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है, शायद क्योतो में बिल्कुल नहीं मिलते होंगे। नंबर 6, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, मैं भारत में घर में मेड होना मिस करती हूँ। ये भारत में बहुत साधारण बात है कि घर में मेड है, नौकरानी है, पता नहीं कैसे बताना, बदतमीज नहीं है, नौकरानी थोड़ी सी बदतमीज नाम है क्या, पता नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन कोई इंसान जो घर सफाई करे या खाना बनाए या कपड़े धोए, ऐसा इंसान घर में होना जापानी लोगों के लिए बहुत मतलब लग्जरी लगता है, ठीक है, क्योंकि जापान में घर में मेड होने का मतलब बहुत ही अमीर है। जब मैं भारत में रहती थी तब भारतीय कुछ दोस्तों के साथ रहती थी, और हर रोज सफाई करने के लिए एक औरत आती थी, तो हमारी बहुत ज्यादा मदद करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी वजह से मैं ज्यादा समय इस्तेमाल कर सकती थी पढ़ाई के लिए, काम के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जापान में ना सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, शौचालय साफ करना, ये सब खुद करना पड़ता है, और इसके लिए थोड़ा समय भी लगाना पड़ता है ना। मैं कभी कभी सोचती हूँ काश अगर काम करने वाली है तो मैं ज्यादा काम कर सकती, मैं ज्यादा पढ़ाई कर सकती, तो ये भारत मतलब भारतीय विशेष चीज नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मिस करती हूँ। नंबर 7, रास्ते पे मेहंदी लगाना। मेहंदी भी पता नहीं मेहंदी क्यों मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, विशेष रूप से ना जब कोई मेहंदी वाला मेहंदी करते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि इतना जल्दी जल्दी अच्छा सा वो पतंस लिखते हैं ना, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, और इसको दोस्तों को ना दिखाना भी अच्छा लगता है कि अरे ये आज तो मैंने मेहंदी लगाया। तो मैंने एक बार खुद भी ट्राई किया है, ठीक ठाक, लेकिन मतलब मेहंदी वाले जैसे अच्छे से नहीं कर सकती ना, तो मैं मेहंदी वाले से मैं मेहंदी लिखवाना चाहूंगी, ये भी एक चीज है जो भारत के बारे में मिस करती हूँ। नंबर 8, लोकल मार्केट में खरीदारी करना। विशेष रूप से मैं जाना चाहूंगी लाजपत नगर मार्केट, बहुत अच्छा लगा वहां पे खरीदारी करना। मार्केट में जाके ना कोई भी सस्ते प्यारे कपड़े या सस्ते एक्सेसरीज या कोई भी चीज, हाँ मतलब शायद मेरे लिए जरूरी ना हो, लेकिन मैं प्यारी चीज खरीदने से मजा आता है, ठीक है, लड़कियों को ऐसा होता है, ये जरूरी है या नहीं ये मत पूछो, ये प्यारी है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैं लाजपत नगर या बाकी लोकल मार्केट में जाके शॉपिंग करना चाहूंगी।
कुछ नई साड़ी भी खरीदना चाहूंगी, क्योंकि आजकल ना वीडियो बना बना के कभी कभी साड़ी भी पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये साड़ी ना एक वीडियो में मैंने पहन ली है, तो कुछ नई साड़ी पहन के आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, लेकिन मेरे पास इतनी ज्यादा साड़ी तो है ही नहीं, मैं क्या करूँ, खरीदना है ना। नंबर 9, दर्जी के पास जाके ना कुछ कपड़े सिलवाना चाहूंगी। जापान में दर्जी का ये कॉन्सेप्ट तो आजकल बहुत कम है। जापानी पारंपरिक कपड़े किमोनो के लिए दर्जी हैं। हाँ, बहुत महंगी है लेकिन दर्जी है, ठीक है। और ये जापान में साधारण बात नहीं है कि कोई भी अच्छा सा कपड़ा है और इसको दर्जी के पास जाके सिलवाना, ये जापान में ऐसा संस्कृति नहीं है। सब लोग रेडीमेड टाइप कपड़े पहनते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोई भी अच्छा सा फैब्रिक को दर्जी के पास लाके मेरी पसंदीदा कपड़ा सिलवाना चाहूंगी ना। भारत में बहुत ही दर्जी है और सस्ते में सिलवा सकते हैं ना, तो ये मैं बहुत मिस करती हूँ। आखिर नंबर 10, रास्ते पर ना कोई भी अनजान लोगों के साथ बात करना और दोस्ती बनाना, ये जापान में कभी नहीं होता, मतलब कभी कभी तो हो सकता है लेकिन ये बहुत अजीब है, ठीक है। हम स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते हैं, इसलिए दोस्ती बनाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, असल में, और मैं एक जापानी इंडिया में रहती थी ना, तो कभी कभी लोग ना मुझे एडवाइस देते रहते हैं, जैसे कि अगर मैं सब्जी खरीद रही हूँ और आइडिया नहीं है कि ये क्या है, ये कितने का है, या तो ये सब्जी कैसे पकाना है वगैरह वगैरह, तो अनजान मैडम जी ना अचानक एडवाइसेस देती थी। तो मुझे लगता है इंडियन लोग ना अनजान लोगों से बात करने में ज्यादा संकोच नहीं करते हैं, लेकिन जापानीज लोग ज्यादा संकोच करके न बात करते हैं। तो भारत का जो ऐसा ना मेंटालिटी वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ, मैंने 10 चीजें बताया है, लेकिन 10 चीजों से भी ज्यादा बहुत चीजें हैं जो मैं मिस कर रही हूँ। तो मैं दिल से उम्मीद करती हूँ जल्दी से जल्दी मैं भारत जा सकूंगी, और आप लोग कृपया मास्क लगा कर ही बाहर जाइए, ठीक है, मेरे लिए और आप लोगों की परिवार को बचाने के लिए, ठीक है। जापान तक खबर आती है कि भारतीय COVID-19 केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और कभी कभी जापान में ना न्यूज में टीवी में आती है कि इंडिया मार्केट दिखाकर ऐसे कहते हैं कि देखो ये मार्केट में आते हुए लोग बिल्कुल मास्क नहीं लगाते हैं। मुझे पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन जापान में कम से कम 99% लोग मास्क लगाकर ही बाहर जाते हैं, हाथ धोते हैं। तो जापान में भी केसेस है लेकिन इतना मतलब ज्यादा भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंडियन लोग भी जब भी बाहर जाते हैं तब हमेशा 100% मास्क लगाए, हाथ धोए, आप लोगों के लिए ही नहीं मेरे लिए भी, क्योंकि अगर भारत में ऐसे COVID-19 के केसेस हैं तो मैं कभी भारत नहीं जा सकूंगी। तो कृपया करके मास्क लगाइए, आपकी जीवन के लिए, आपकी परिवार के लिए और मेरे लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा आप लोगों को? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय।